अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर उन्होंने आपको जो है कि ये इक्वेशन दी हुई है कि टेन स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वेयर 60 इज इक्वल एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है, तो आपको पता है टेन 45 वन के इक्वल होगा, तो चूंकि ये टेन स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा वन स्क्वेयर माइनस कॉस 60 वन ओवर टू है, तो ये वन ओवर टू होल स्क्वेयर हो जाएगा। एक्स साइन 45 वन ओवर टू स्केयर रूट मल्टीप्लाई कॉस 45 वन ओवर टू स्केयर रूट टेन 63 स्केयर रूट। बेटा आपको इनके वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये 3 स्केयर रूट और 2 स्केयर रूट को 2 स्केयर रूट से किया तो ये 2 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि स्केयर रूट को जब स्केयर रूट से करेंगे और अगर अंदर जो है वो उनकी वैल्यू सेम होगी तो ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, या ये आप कह लेगा 2 2 4 होगा, 4 का स्केयर रूट 2 होगा। तो ये जब 3 स्केयर रूट को 1 के साथ करेंगे तो 3 स्केयर रूट ओवर 2। अब आप क्या करो, इसको जो है अब इसकी बात करते हैं, ये 1 हो गया, 1 ओवर 2 का स्केयर 1 ओवर 4, एलसीएम लिया 4 हो गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 के साथ किया 1, तो 4 माइनस 1 3 ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स 3 स्केयर रूट ओवर 2। अब इसको जब आप इस साइड पे लेके जाओगे तो ये उल्ट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 स्केयर रूट नीचे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 ओवर 3 स्केयर रूट। अब आपने 3 को लिख दिया 3 स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर रूट, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था 3 स्केयर रूट की 3 स्केयर रूट से कट किया तो 3 स्केयर रूट ओवर 2, एक्स की वैल्यू 3 स्केयर रूट ओवर 2। मैंने आपको जो पिछले सवाल करवाए थे वो मैं साथ में पूरे पहले सॉल्व करता था, लेकिन ये अब मैंने पहले सॉल्व किए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये होता है कि टाइम थोड़ा सा जो है वो कम लगता है, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये वाला मेथड भी है कि ज़्यादा बेहतर है कि पहले मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ, या वो जो पीछे हम कर रहे थे कि जैसे जैसे जो है वो सॉल्व करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, तो ये आप मुझे बताइएगा कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आएगा जब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5, तो वो कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होंगे, ये जो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू पाई, मतलब वो जो क्वाड्रेंट बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। मसलन अगर आपके पास तो ये जो होगा आपके पास ज़ीरो, हाँ ज़ीरो भी इसमें आएगा, ज़ीरो रेडियन हो गया, पाई बाय टू हो गया, पाई हो गया, थ्री पाई बाय टू हो गया, टू पाई हो गया, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो कहलाएंगे। इसी तरह से टू पाई, फाइव पाई बाय टू, 7π/2, 3π, 5π, 6π, ये सारे जो है क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे, यानी कि पाए, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, इसी तरह से आगे चलता जाएगा, या π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, तो ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे। और आप एक चीज़ याद रखें, जब क्वाड्रेंटल एंगल के बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी भी एंगल के अंदर 360, अगर डिग्री में बात करें 360 डिग्री ऐड कर दें, 720 डिग्री ऐड कर दें, 1080 डिग्री जो है वो ऐड कर दें, तो उस एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर 360 के बाद जो है एंगल दोबारा से अपने पहले वाली जगह पे आ जाएगा। जैसा कि आपके पास फर्ज करें ये आपके पास था 30 डिग्री, जब आप 360 एंगल मज़ीद कवर करेंगे तो दोबारा से फिर आप उसी जगह पे आ गए, 360 प्लस 360 यानी कि 720 एंगल कवर करेंगे तो दोबारा से फिर आप, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर 360, 720, 1080 यानी कि 360 का मल्टीपल, मल्टीपल से मुराद आसान लफ्ज़ों में कह लें कि टेबल, 360 का टेबल अगर किसी एंगल में प्लस हो रहे या वो उसमें से माइनस हो रहे एंगल 360 के टेबल में से, तो उस एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आ जाएगा।
या अगर रेडियन में बात करें तो किसी एंगल में 2π, 4π, 6π, 8π, 10π अगर ऐड हो रहे हैं तो उस एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर वो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 2π के मल्टीपल या कह लें 2π के टेबल में से, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार के मल्टीपल्स ऑफ 360, 720, 1080 ये सारे मल्टीपल्स हैं 360 के, या इसको टेबल कह लें आप। और इसी तरह से 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π ये 2π के मल्टीपल्स हैं। तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि अगर 2π के मल्टीपल्स में से कोई एंगल ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर 360 या 360 के मल्टीपल या 360 के टेबल में से कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज़ को बेस बना के अब हम आगे करेंगे। ये है माइनस पाई, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, तो वो कह रहे हैं कि अब आप सारी रेशियोस निकाल लें। तो ये साइन माइनस पाई, आपको पता है कि अगर एंगल के साथ माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई, और साइन पाई ज़ीरो होगा। कोस माइनस पाई, आपको पता है कि कोस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव का साइन आ जाए वो ख़त्म हो जाएगा, ये कोस पाई, और कोस पाई माइनस वन होगा। फिर इसी तरह से टेन माइनस पाई, तो टेन के एंगल के साथ भी अगर नेगेटिव का साइन होगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस टेन पाई, और टेन पाई ज़ीरो होगा। कोसीकेंट माइनस पाई, कोसीकेंट आपको पता है ये साइन का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, ये वन ओवर साइन माइनस पाई, तो साइन माइनस पाई की वैल्यू हमने ज़ीरो निकाले वो पुट करें तो वन ओवर ज़ीरो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट माइनस पाई, तो ये क्या होगा, वन ओवर कोस माइनस पाई, कोस माइनस पाई की वैल्यू निकाली माइनस वन, डिवाइड किया तो माइनस वन हो गया। इसी तरह से कोट माइनस पाई की हमने वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद आएगा आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, माइनस 3π। ये भी 3π क्वाड्रेंटल एंगल है, तो माइनस 3π को आप लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर 2π प्लस पाई। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2π के अंदर कोई एंगल ऐड हो रहा है तो उस एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एंगल वैसे का वैसे लिख देंगे। आगे उसी तरह से साइन माइनस पाई आपने वैल्यू पुट की, तो आप इसका ये भी कर सकते हो कि पहले आप जो है वो साइन माइनस 3π लिखो, और माइनस 3π माइनस पाई के फिर आप ये वैल्यूज पुट कर दो। इसी तरह से कोस माइनस 3π लिखो, और माइनस 3π माइनस पाई के फिर कोस माइनस पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे सवाल कर सकते हैं। अब इससे जो अगला है ना वो मैं ये आप एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। कोसीकट माइनस पाई, ये वन ओवर साइन माइनस पाई, तो साइन माइनस पाई ज़ीरो होगा, वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी। सीकट माइनस पाई, ये होगा वन ओवर कोस माइनस पाई, और कोस माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन है, ये वैल्यू पुट की तो माइनस वन हो गया। इसी तरह से कोट माइनस पाई की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका थर्ड पार्ट जो है, और ये आपको नज़र आ रहा है ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। अच्छा 5/2 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस 5/2, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 5/2 आएगा। और मैंने अभी आपको मैंने बताया कि अगर 2π के अंदर कोई एंगल जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो एंगल वैसे का वैसे लिख देंगे, तो ये 5/2 हो गया। अब उसी तरह से आपके पास साइन 5/2π, और ये आपको पता 5π/2 किसके इक्वल है, 5/2 के इधर वैल्यू पुट कर दी तो साइन 5/2 वन के। पिछले सवाल में मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ये ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप लिखें ये और उसके बाद आप जो है कि 5/2π के इक्वल 5/2 के है, साइन 5/2 वन के हो गया। फिर इसी तरह से कोस 5/2π, तो ये कोस 5/2 और कोस 5/2 ज़ीरो। इसी तरह से टेन 5π/2 जो है ये 10π/2 के, और 10π/2 इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पहले आप इसको जो है अगर आपको ना पता चले तो ये रेडियन में आप इसको डिग्री में करें तो π/2 90 होता है, और 10/90 इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से ये बाकी भी आप देखिएगा, कोसीकट 5π/2 क्या होगा, कोसीकट 5/2, और ये क्या होगा, 1/sin π/2, साइन 5/2 की वैल्यू निकाली है। तो बेटा इस तरह से आप ये सारे जो है ये कर सकते हो। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका 4 पार्ट। अब ये देखिए ये आ रहा है 9π - 9π/2, तो माइनस तो 9π/2 को आप देख सकते हैं 4π + π/2। क्वेश्चन नंबर 5 4 पार्ट है -9π/2π, तो इसको मैंने लिख दिया 4π + π/2, और 4π क्या होगा 2 × 2π, यानी कि ये 2π का मल्टीपल हो गया, 2π के टेबल में आ गया ये, तो ये पाई बाई टू वैसे ही आ जाएगा आगे उसी तरह से sin -9π/2π, तो ये sin -π/2 होगा, माइनस बाहर आ जाएगा -1, ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे हमने ये पीछे सवाल किए थे, इसी तरह से cos -9π/2π, ये cos -π/2। और आपको पता है कि cos के एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, cos π/2 0 होगा, और इसी तरह फिर आपने ये बाकी भी आप देखें, आप इनको देखिएगा, तो ये उसी तरह से आपने करने होंगे। उसके बाद जो है आपका जो है कि ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 का 5th पार्ट जो है -15π, तो इसको आप लिख दोगे 14π + π, 14π को लिख दिया 7 × 2π, आगे वही है कि क्योंकि ये 14π जो है ये 2π का मल्टीपल है, उसके टेबल में आता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, -π हो गया, और आगे -15π की जगह पर -π आपने लिख दिया, और आगे उसी तरह से जैसे इसका पहला सवाल था कि -π जो है तो ये -π आ जाएगा और sin π 0, फिर इसी तरह से cos -15, तो ये आप देख लें ये जैसे आपने पीछे किए थे सवाल ये उसी तरह से सारे होंगे। तो ये आप मुझे लाजमी बताइएगा कि इस तरह से ज़्यादा बेहतर है या कि जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाऊँ और उसकी जो है वो साथ में वीडियो बनती जाए, उसमें ये होगा कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो ये आप मुझे लाजमी फीडबैक दीजिए।